देवेर के युद्ध का क्यों इतना महत्व है, मेंटल हो रहे हैं इसके लिए, क्योंकि उस वक्त की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को अगर हम स्मरण करें तो सिवाय मेवाड़ के ईडर, आबू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मालवा, गुजरात, मारवाड़, जयपुर, आमेर, ग्वालियर, कोई राजघराना ऐसा नहीं बचा था जो अकबर के सामने खड़ा था। एक प्रताप अकेले, नितांत अकेले खड़े थे, जो रिसोर्सेज उनके दादा, उनके परदादा उनके लिए छोड़कर गए थे, उसको भी बड़ी कठिनाई से चित्तौड़ से निकालकर वो बचाकर मायरा की गुफाओं में उन्होंने उस धन को छुपा कर रखा था। किस तरह भामाशाह और ताराशाह ने अपना जीवन, अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर वो धन इकट्ठा किया, दूसरा लूट करके मुगल थानों को और फंडिंग की, और फिर एक विक्टोरियस बैटल, एक ऐसा बैटल जिसकी विक्ट्री के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता है। बट अगेन इट वाज अ कैंपेन, देवेर भी एक कैंपेन की तरह चलाया गया। ऐसा नहीं है कि एक विजयदशमी के दिन जो प्रताप ने किया उसी के कारण सब कुछ हो गया। उस दिन दो घटनाएं मुख्य रूप से घटती हैं जो कि बताने लायक है। दो घटनाएं देवेर के युद्ध के बारे में बहुत मार्मिक है, बहुत इंस्पायरिंग है। सरीमा सुल्तान, जो कि अकबर का निकट संबंधी था और थोड़ा सा माइल्ड, एकदम कट्टर जैसे होते हैं ये जिहादी, वैसा नहीं था, थोड़ा माइल्ड किस्म का आदमी था, वो एक हाथी पर चढ़कर आता है। तो ये बात भी सिद्ध करती है कि देवेर का युद्ध एक बड़ा युद्ध था, क्योंकि जहाँ जिस युद्ध में हाथी काम में लिए जाते हैं और हाथी उस थाने पर था, तो प्रताप से जब संघर्ष होता है तो हाइट के एडवांटेज लेकर के वो प्रताप के ताबे नहीं आता है। तब एक पढ़ियार राजपूत हाथी के दोनों पैर कटार से काट देता है, हाथी गिर जाता है और प्रताप उस हाथी का कुंभ स्थल फोड़ देते हैं अपने भाले से। सरीमा फिर घोड़े पर चढ़कर आता है और उत्तर दिशा की तरफ भागता है। उसकी वही प्लानिंग जो इन लोगों ने हल्दी घाटी में की थी, कि हल्दी घाटी के मुंह से निकल के खमनौर की रक्त तलाई में खुले में आकर के मेवाड़ की सेना को उन्होंने हरा दिया था। तो वो फिर खुले स्थान की तरफ भागता है। इस बार वहां पर अमर सिंह जी अपनी टुकड़ी के साथ में उपस्थित थे और अमर सिंह जी एक प्रहार भाले का करते हैं सरीमा सुल्तान पर, जो उसकी छाती को छेदता हुआ, घोड़े को छेदता हुआ धरती में जाके गड़ता है और भी वो सरीमा वहीं यूं के यूं बैठा रह जाता है। और सरीमा कहता है कि ये किस वीर का वार हुआ है मुझ पर कि एक वार में इसने मेरी मेरी मृत्यु का जो कारण बन रहा है, मुझे उसके दर्शन कराओ। तो अमर सिंह जी को सामने लाया जाता है, वो कहता है कि अब ये भाला भी आप ही निकालो मेरे शरीर से। अमर सिंह जी ही उस भाले को उसके शरीर से निकालते हैं। सरीमा प्रताप की तरफ कातर दृष्टि से देखता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आप लोगों के यहाँ अगर किसी मृत व्यक्ति को गंगा जल पिला दिया जाए तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मुझे नहीं पता कि मोक्ष होता है कि नहीं होता है, लेकिन आप मुझे मरने से पहले गंगा जल पिला दें। प्रताप बहुत करुणावान व्यक्ति थे, प्रताप अपने हाथों से सरीमा को गंगा जल पिलाते हैं और इस तरह सरीमा अपना शरीर देह त्याग करता है। इसके लगभग 5 किलोमीटर दूर एक थाना और था जहां पर बहलोल खान नाम का एक उज्बेक मुगल था, जो कि पोस्टेड था अपने 5,000 सैनिकों के साथ में। बहलोल खान से प्रताप का पुराना हिसाब चुकता था, जो हल्दी घाटी में प्रताप के जो कई मित्र और सहयोगी मारे थे वो इस आदमी ने मारे थे। और जैसे ही प्रताप बहलोल खान को देखते हैं, वो नरम दिल, वो करुणावान, वो उदार मना प्रताप एक तलवार के वार से बहलोल खां को मध्य से काटते हुए घोड़े को भी मध्य से काट देते हैं। दो टुकड़ों में घोड़े और बहलोल खां को एक वार से प्रताप कर देते हैं। और इस घटना को देखकर पूरी मुगल सेना जो थी वहां भाग खड़ी होती है। पूरे मानव इतिहास में आपको इस तरह का एक कॉम्बैट का एक सीन कहीं नहीं मिलेगा। ये जैसे मूवीज में होता है कुछ होता होगा, बट प्रताप की जो पूरी की पूरा क्रोध, उनका पूरा जो चित्तौड़ के साके का क्रोध था, हल्दी घाटी में मित्रों को खोने का क्रोध था और इतने वर्षों तक मेवाड़ के जंगलों में दुख और तकलीफ में घूमने का जो क्रोध था, वो बहलोल खां की हत्या में निकलता है। बहलोल खां के वध में, क्षमा चाहता हूँ, हत्या नहीं कहना, वध में निकलता है। दिवेर से दाई तरफ आमेट अमर सिंह जी अपनी सेना लेके चले जाते हैं। अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति को वो मारते हैं, जो कि बहुत बड़ा वॉर जनरल था और आमेट पर
के थाने पर कब्जा करते हैं। प्रताप बाई तरफ कुंभलगढ़ की तरफ चले जाते हैं, कुंभलगढ़ मुगल सैनिक खाली करके भाग जाते हैं, एक भी प्रतिरोध प्रताप को नहीं मिलता है। यही घटना चार दिन बाद उदयपुर में घटती है, जब उदयपुर के अंदर मेवाड़ की सेनाएं, राजसी सेनाएं प्रताप बाई तरफ से, अमर सिंह जी दाई तरफ से प्रवेश करते हैं। और इस तरह से दिवेर के युद्ध के बाद लगभग 30,000 मुगलों को अगले 5-6 दिन के अंदर मौत की घाट उतार कर प्रताप मेवाड़ का एक एक इंच पुनर्ग्रहित कर लेते हैं, और सिवाय चित्तौड़ के। और 1597 यानी 1597 तक, 1583 से 1597 तक प्रताप 15 साल तक जीवित रहते हैं। 1597 में एक शिकार की एक दुर्घटना में प्रताप का शरीर घायल होता है और उनका फिर मोक्ष हो जाता है 19 जनवरी 1597 को। वो महापुरुष हिंदू धर्म की, अपने कुल की, अपने राज्य की रक्षा करता हुआ स्वतंत्र अपनी सहज मृत्यु को प्राप्त होता है, अपने सहज मोक्ष को प्राप्त होता है। वो मलेच्छ अकबर न कभी प्रताप को देख पाया, न कभी उन्हें अपने आगे झुका पाया, और हर डिजाइन जो उस मलेच्छ का था वो एक महाराणा प्रताप के कारण, एक अकेले प्रताप के कारण वो पूरा नहीं हो सका। इस सबकॉन्टिनेंट का इस्लामाइजेशन अगर किसी एक व्यक्ति ने रोका था तो वो थे महाराणा प्रताप, क्योंकि उन्होंने भाला और तलवार और बिगुल उस समय उठाया जब वो नितांत एकाकी थे। उसके बाद उनके पुत्र अमर सिंह जी भी जहांगीर से लड़ते रहे, उसके बाद में शाहजहां और जहांगीर के साथ मेवाड़ का समझौता भी हुआ जो कि बहुत ऑनरेबल समझौता था। उसके बाद उनके जो बेटे थे राज सिंह जी, उनका औरंगजेब से युद्ध होता है जिसमें राज सिंह जी औरंगजेब को पराजित करते हैं। उसके बाद बहुत सी फोर्सेस खड़ी हुई, जैसे मराठे खड़े हुए, अहोम खड़े हो गए, और भी दक्षिण भारत के अंदर बहुत सी राज्य खड़े हुए। लेकिन यदि उस समय प्रताप झुक जाते तो मुगलों का भारत पर एक छत्र राज हो जाता और इस देश के इस्लामीकरण को कोई ताकत नहीं थी जो रोक सकती थी।